आप देख रहे हैं एमसीएस समाचार मुस्कान शेख के साथ में। आज हम मौजूद है मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में, जहां पर महिला व युवक संस्था रोजगार सर्व सुविधा के लिए एक और प्रोग्राम रखा गया है। आइए यहां के गेस्ट से जानते हैं कि वो ठीक है। मैम आपका नाम? मेरा नाम प्रिया वैद्य। यहाँ पे राजकुमार कमलेश्वर की जो महामाया सेवा भवन संस्था है उसकी तरफ से महिला उद्योजकता बढ़ाने के लिए जो सेमिनार रखा था, वो सेमिनार के लिए आज यहाँ पे हम लोग आए थे। उन्होंने मार्गदर्शन करने के लिए महिलाओं का, या उनको जैसे सर ने बोला कि उनके अंदर एक प्रेरणा जागृत करने के लिए यहाँ पे हम लोग सब आए थे। आज के प्रोग्राम का खास मकसद क्या है? ये प्रोग्राम का खास मकसद ये है कि महिला ज़्यादा से ज़्यादा उद्योजक बने, आत्मनिर्भर बने, जो बोलते हैं हम कि आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी बने। वो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे कुछ ध्येय लेके उन्होंने आए थे। केक प्रोडक्शन का उनको आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लाइव भी यहाँ पे 50 किलो का केक बनाया जा रहा है महामारी संस्था की तरफ से। और ये एक एडवर्टाइजमेंट का जरिया है जो हम कर रहे हैं अभी यहाँ पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुँचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा महिला उद्योजक बनने की तरफ आए। और ये जो राजकुमार कमलेश्वर की संस्था है उसका जो ये आत्मनिर्भर बनने का उन्होंने एक अभी शुरू किया है, तो ये केक के रिलेटेड आपके कोई रिसर्च सेंटर या कोई एकेडमी वगैरह है? महामाई सेवा संस्था ये जो राजकुमार कमलेश्वर की संस्था है वो संस्था की तरफ से ही ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो आज की महिला जो एडल्ट के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? महिलाओं के लिए मुझे यही कहना है कि महिलाओं के पास जो संवैधानिक रूप से अधिकार आए हैं, या जो खुद के मतलब बचपन से ही अपने अंदर जो एक स्वावलंबनता रहती है, वो अभी उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है। बिकॉज कोविड के पीरियड में हम लोग ने देखा है जॉब चले गए हैं, बहुत सारी आर्थिक प्रॉब्लम्स हुई है, तो वो सब पीछे छोड़ के अभी ज़्यादा से ज़्यादा वो उद्योजक बने, स्वावलंबी बने, और उनको भविष्य में किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत है। थैंक यू। आइए सर से जानते। सर आपका नाम? दीपक भिंगार। जो मैं एमजीएम विद्यापीठ का डायरेक्टर बोल के काम करता हूँ। ये प्रोग्राम के रिलेटेड आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, ये कार्यक्रम तो मैं खास इसलिए आया कि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी समाज, कोई भी देश की अगर उन्नति होना है तो वहाँ के महिलाओं का योगदान अगर होता है कोई भी समाज या देश आगे जाएगा। और ऐसे कार्यक्रम हर जगह, हर मोहल्ले में, हर शहर में होना चाहिए, और ये हो रहा है तो हम इससे जुड़े हुए हैं और इसीलिए हम यहाँ पे। आने वाले एडल्ट्स और एनवायरनमेंट के लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? आज के दौर में जब पिछले 2 साल में जो हमने सब ने देखा, वो अगर निकालना है तो बाहर निकालना है तो सभी को प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगी कि उनका सर्वोत्तम जो क्वालिटी है वो बाहर आना चाहिए, मेहनत करना पड़ेगी। उसके बाद ही हम ये जो एक्सीडेंट के साल से हम उसका देख रहे हैं उसके बाहर आने के लिए हमें मदद हो। थैंक यू। आइए ये सर से बात करते हैं। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम श्री कृष्ण वानखेड़े है। आज का जो प्रोग्राम है वो महामाया आधार स्वागत संस्था और युवा परिवर्तन स्कीम डेवलपमेंट अकेडमी मुंबई इनके तरफ से आयोजित किया गया था। प्रोग्राम का मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बने, और इसके लिए हमने आज एक केक मेकिंग का एक प्रोग्राम शिविर आयोजित किया था जो 3 दिन चला है हमारा शिविर। इसमें 2 दिन हमने ऑनलाइन क्लासेस लिए इन लोगों की, और आज जो है 50 किलो हम केक सिखा रहे हैं। ठीक है। संस्था के अध्यक्ष और प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर राजकुमार कामड़े से बात करते हैं। नमस्कार। हम 3 दिन से ऑनलाइन सेशन लिया और आज का ये प्रैक्टिकल था। अब हमारे यहाँ प्रैक्टिकली केक मेकिंग का पूरा 50 किलो का हम केक बनाकर औरंगाबाद में हिस्ट्री करेंगे, और ऐसा कार्यक्रम हर जिले में एक एक बार कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। महिलाओं के लिए आपको मैसेज देना चाहेंगे? महिलाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएंगे, स्वयं रोजगार में आएंगे और उनका खुद का बिजनेस रहेगा, यही हम उनको मैसेज देंगे। ठीक है। आज आइए ये मैडम से इस प्रोग्राम के रिलेटेड बात करते हैं। जी मैडम आपका नाम? मेरा नाम शिल्पा रहीम शरीदाल है। जी, ये प्रोग्राम किस उपयोग के लिए रखा गया खास करके? ये प्रोग्राम महिलाओं के स्वामित्व होने के लिए रखा गया है। जो महिलाएं गवर्नमेंट है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि वो बाहर निकले, जब से कुछ अपने तरफ
खड़े हैं और अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब आज की महिलाओं एडल्ट के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आज की महिलाओं के लिए मैं यही बोल रही हूँ, जो घर में महिला रहती है तो बेकरी वाले प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे, सिर्फ एक ही नहीं केक वाला, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में है जो लोग पसंद करते हैं, तो सभी महिलाएँ ऐसे प्रोग्राम में आए, अपने अपने योगदान दें और काफ़ी सारा इससे अपने खुद के परिवार के लिए काफ़ी सारा अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, ये राजकुमार कामले की जो संस्था है इसकी ब्रांचेस और कहाँ पर है? सरका ब्रांचेज ऑल ओवर नेपाल तक का सरका कनेक्ट है। सर ने जो कोरोना में काम किया है, ब्लड डोनेट का सरका काम ज़्यादा होता है। मेरा भी एनजीओ है, गतिमान मोदी से अपन संस्था। ये आपका एनजीओ कहाँ पर है? ये मेरा गारखेड़ा औरंगाबाद में है और हैंडीकैप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे मतलब सरका और मेरा यही पर मतलब मुलाकात हुई थी। रक्तदान शिविर जो है मुख्य में रखा जाता है ना? हाँ बिल्कुल, रक्तदान और कभी हाथ में ब्लड लगता है, कहीं भी ब्लड लगता है तो सर तुरंत एक पौधे मुझे अवेलेबल करके देते हैं। सेंटर आईटी संस्थाओं की बहुत बहुत जरूरत है महिलाओं के लिए। आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए एमसीएन समाचार मुस्कान शेख के साथ।